नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी विवाद पर कंगना रनौत का बयान। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने पर बोली कंगना, काशी के कड़कड़ में है भगवान शिव। भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का कंगना ने भ्रमण भी किया। तो ज्ञानवापी मामले पर अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर बोली कंगना, हर हर महादेव। इस तरीके से कंगना करती नजर आई, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ज्ञानवापी मामले को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कहा कि काशी में कड़कड़ में रास्ते, उन्हें किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। तो भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। जब विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंची कंगना रनौत, उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, काशी कड़कड़ में शिव विराजते, भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, हर हर महादेव का जयकार करती, उद्घोष करती नजर आई कंगना रनौत। काशी विश्वनाथ की जय। तो हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की जय करती नजर आई कंगना रनौत। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वाराणसी की तस्वीर आपको बता दें कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर है, जब वो पहुंचती है और हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ की जय करती है। हालांकि ज्ञानवापी मामले को लेकर, शिवलिंग मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि काशी के कड़कड़ में शिव है, भगवान शिव को किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टल गई है। इस केस में अब अगली सुनवाई 19 मई को होनी है, लेकिन इस केस में सियासत लगातार जारी है। इन सब के बीच अब ज्ञानवापी केस में किसका क्या बयान सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वकीलों की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी केस में सुनवाई टाल दी गई है। मामले में अब अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 मई की तारीख तय की है और 19 मई को नमाज की इजाजत और दीवार को तोड़ने को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। तो हम लोगों ने एहतियात के तौर पे एक दरखास्त दे दी थी एडजर्नमेंट कि आज हम इसमें तैयार नहीं हो पाए हैं और हमारे मेन अधिवक्ता जो हैं उनकी कोई बीमार हो गया था, जो खाली भी नहीं थे, इसे तैयारी भी नहीं हो पाए थे और हड़ताल भी थी। तो कल डेट तो फर्दर कल ही के लगने थे, फिर भी एक दरखास्त दे दी गई थी, उसमें कल के लिए एक डेट लग गई। कोर्ट में चल रहे केस के बीच ज्ञानवापी मामले पर बयानों का दौर भी जारी है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी की नेता रूबीना खानम ने ज्ञानवापी केस में भी अपनी राय रखी है, जहां उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि ज्ञानवापी की जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जानी चाहिए। प्राचीन काल में अगर मंदिर था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई के साथ ये बात साबित होती है, तो मैं बहुत ही दिल के साथ और सच्चाई के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि वो जमीन हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ अपने तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ज्ञानवापी केस में अपनी जुबान खोली। ओवैसी ये दावा करते दिखाई दिए हैं कि ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई नहीं की गई। ऐसा इस तरह का, अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया, कंप्लीटली अनफेयर है। ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। इस सब के बीच अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अली नदीम रिजवी सबूतों के बल पर ये दावा करते दिखे हैं कि विवादित स्थल पर हजारों साल पहले मंदिर हुआ करता था। फैक्ट ये है कि आज की तारीख में एक हिस्से में उसके कुछ ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जो ये गवाही देते हैं कि किसी जमाने में यहाँ मंदिर थी। ज्ञानवापी केस में एक तरफ जहां लगातार सुनवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सियासी बयान और सफाइयां भी सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि ज्ञानवापी की चार दीवारों के पीछे छिपा राज कब सामने आएगा। टीम न्यूज स्टेट। और 19 मई को पेश होगी ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में कल।